हेलो। सर इसमें बच्चों की चैट कैसे करते हैं? हेलो, गुड क्या इवनिंग मेरी सर। आवाज आप लोगों को? ये आ नहीं रहा यार, यहाँ पे ये ना तुमने बताया था कि यहाँ से हमें अच्छा दिखेगा ना, तो मैं अपने इसका भी मैं कलर ले सकता हूँ। बेटा आप कुछ बोलिए, आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही है। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, आपको मेरी आवाज आ रही है बेटा? यस यस सर। क्लियर क्लियर है एकदम। ओके, यहाँ से तुमने क्लियर करने का भी कुछ बताया था ना, ऑप्शन इरेजर पे क्लियर व्हाइट बोर्ड। वन टू थ्री फोर फाइव फाइव बेटा, आप सिक्स या सेवन चिल्ड्रंस आते हैं ना? अच्छा, यहाँ पे मुझे आई थिंक यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा। बच्चे बेटा, आज हम लोग डाइवर्सिटी पढ़ेंगे, आप लोगों को सुनाई दे रहा है क्या? यस सर। देखो तो बेटा, हम लोगों ने व्हाट इज लिविंग तो कंप्लीट कर लिया था ना, बेटा आवाज आ रही है क्या? यस सर। पिन ओके, हो गया था ऑर्बिट और ऑर्बिटल का। वन सेकेंड बेटा। हाँ ले रहा हूँ। हाँ चलो बेटा, हम लोग ये अपना बायोडायवर्सिटी आज पढ़ेंगे। हम लोगों ने व्हाट इज लिविंग कंप्लीट कर लिया था कल की क्लास में। नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ चल रहा है। हेलो बेटा, आपको आवाज आ रही है क्या? हेलो। यस सर एकदम क्लियर। ओके, एक्चुअली आज बेटा मेरा फर्स्ट टाइम है ना इस पेन टैप पे, तो धीरे प्रैक्टिस हो जाएगा। आप लोगों को कैसा दिख रहा है? क्लियर है ओके बेटा, ध्यान से सुनिए, हम लोग क्या बात करने वाले हैं। हम लोग बायोडायवर्सिटी समझेंगे। ये जो है ना बायोडायवर्सिटी, इसकी हम बेटा बात करेंगे। तो
तो आप ध्यान से देखो, ये जो बायो है, बायो का टर्म मैं आपको बता चुका हूं इसका क्या मतलब होता है, क्या मतलब होता है इसका, लिविंग लिविंग, वेरी गुड। और ये जो डायवर्सिटी लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है, वैरायटी, क्या मतलब है, क्या मतलब बेटा, वैरायटी। वैरायटी, ठीक है बेटा। आप ये देखिए कि ये हम क्या बात कर रहे हैं, वैरायटी, किसकी वैरायटी, इस लिविंग की वैरायटी, है ना, समझे, किसकी बात कर रहा हूं मैं, वैरायटी किसकी, लिविंग की। तो बेटा ये जो अर्थ है हमारा, इस पर कितनी वैरायटी है, आप एक जनरल बात समझिए कि आप जब अपने स्कूल से अपने घर जाते हैं तो रास्ते में जितने भी प्लांट ट्रीज मिलते हैं, क्या आप सबको पहचानते हैं, क्या आप सबके नाम जानते हैं, क्या वो सब एक जैसे होते हैं। हेलो बेटा, आवाज आ रही है आनंद, योगेश्वरी, ओम, हेलो, आवाज बेटा आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं, संकेत, आनंद, थोड़ी थोड़ी आपकी। प्रतीक्षा, हेलो बेटा, यस मेरा आवाज आ सर, रहा है, बेटा आप लोग बोल क्यों नहीं रहे, मैं आपसे पूछ रहा हूं बार बार, आप लोग मुझे रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं। को प्रॉब्लम होगी नेटवर्क की। ओके तो बेटा हम लोग जो बात कर रहे हैं इस बायोडायवर्सिटी की, हम लोग जनरल बात कर रहे हैं कि जब हम अपने घर से अपने स्कूल जाते हैं तो क्या वहां पे जब रास्ते में जितने भी प्लांट मिलते हैं, क्या हम सबके नाम जानते हैं, क्या वो सब एक ही टाइप के होते हैं, क्यों बेटा, नो सर, नहीं होते हैं ना। तो आप एक बात सोचिए कि इस पूरी अर्थ पर ऐसे कितने सारे टाइप के प्लांट मिलते होंगे देखने के लिए, क्यों बेटा, जो जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली अलग अलग होंगे, कितनी ज्यादा डायवर्सिटी हमको देखने को मिलेगी, यानी लिविंग की कितनी वैरायटी देखने को मिलेगी, एज इट इज एनिमल के केस में भी वही है, हमें उनकी भी कितनी ज्यादा वैरायटी देखने को मिलेगी, ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बायोडायवर्सिटी कहते हैं। और ये जो बायोडायवर्सिटी है इसी के बारे में हम समझेंगे कि भाई इसको हम कैसे आगे पढ़ सकते हैं, किस तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है यस सर। बेटा। आपको मेरा फोटो, मेरा क्या वीडियो दिखाई दे रहा है क्या, जी सर, नहीं दे रहा है, मैंने स्टार्ट तो किया है, अब आपको दिखाई दे रहा है क्या, नहीं सर, नो सिर्फ स्क्रीन सर, दिख रही है। ओके चलो मैं चेक करवा लूंगा क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। हाँ बेटा, तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इस बायोडायवर्सिटी को पढ़ने वाले हैं। अभी जो मैंने समझाया है उसमें किसी बच्चे को कोई दिक्कत, क्या और एक बार समझा सकते हाँ बेटा चलो एक बार और समझाती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने क्या कहा कि हम लोग इस टर्म को समझने वाले हैं, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है बायोडायवर्सिटी, मैंने आपको इसमें बताया भाई जो बायो टर्म है इसका मतलब क्या है, लिविंग, और ये जो डायवर्सिटी मैंने लिखा है इसका क्या मतलब है, वैरायटी, ठीक है। तो इसमें हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, लिविंग की वैरायटी, ठीक है। तो मैं जनरल यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि जब हम अपने घर से स्कूल जाते हैं तो रास्ते में कितने सारे टाइप्स के प्लांट हमें देखने को मिलते हैं, क्या हम सभी के नाम जानते हैं, क्या हम सभी को पहचानते हैं, क्या वो सब एक टाइप के होते हैं, बताइए, ओम, नो सर, नहीं होते हैं ना। तो आप ये सोचिए कि इस पूरी अर्थ पे ऐसे कितने सारे टाइप के प्लांट्स हमें देखने को मिलेंगे, कितनी ज्यादा वैरायटी देखने को मिलेगी, चाहे वो एनिमल्स के केस में बात करें या हम प्लांट्स के केस में बात करें, कितनी
कितनी ज्यादा वैरायटी देखने को मिलेगी, मिलेगी कि नहीं मिलेगी, यस सर। है ना। तो बेटा यहाँ पे हम इस, ये जो हमारा टॉपिक है ना बायोडायवर्सिटी, यहाँ पे हम इसी की बात करेंगे, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत? नो सर। तो समझ में आया सबको बायोडायवर्सिटी का मतलब? यस सर। हाँ चलिए बेटा, तो इसका डेफिनेशन हम लोग लिखते हैं, ठीक है। कि क्या है डेफिनेशन? कि वेरिएशन साथ साथ में लिखिए मेरे, वेरिएशन इन मॉर्फोलॉजिकल मॉर्फोलॉजिकल एंड जेनेटिकल एक सेकेंड बेटा, जेनेटिकल जेनेटिकल बिटवीन बिटवीन ऑर्गेनिज्म। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। बेटा मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या आप लोगों को? बिल्कुल आ रही है सर, तो बोलिए ना। हाँ, ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ, बेटा मैंने क्या लिखा है बायोडायवर्सिटी के बारे में? कि वेरिएशन इन मॉर्फोलॉजिकल एंड जेनेटिकल बिटवीन ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ, इसको हम क्या कहते हैं? बायोडायवर्सिटी कहते हैं। इसमें किसी को कोई दिक्कत है? नहीं सर। अब देखो बेटा कि अभी जो बायोडायवर्सिटी है, अगर मैं कहूँ कि भाई ये बायोडायवर्सिटी तो है, हम इसकी हेल्प कैसे करेंगे? क्यों भाई, हमें इसकी क्या करनी है? हेल्प करनी है हमको, इसको समझना है। तो हम लोग इसको समझेंगे कैसे? क्यों भाई, कैसे हम लोग इसको समझ सकते हैं? कोई बच्चा बताएगा? क्लासिफाई करके। क्लासिफाई करके, बिल्कुल। तो देखो हम लोगों को क्या करना है, हमें जरूरत है किसकी? नीड नीड फॉर नीड फॉर क्लासिफिकेशन, हमें क्या करना है, हमें नीड है नीड फॉर क्लासिफिकेशन, जिससे हम क्या कर सकते हैं? बायोडायवर्सिटी की हेल्प कर सकते हैं। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं? बायोडायवर्सिटी की हेल्प कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बेटा? बायोडायवर्सिटी की हेल्प कर सकते हैं। तो समझो कैसे करेंगे, तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए? हमें सबसे पहले जरूरत है क्या? आइडेंटिफिकेशन की। किसकी जरूरत है? आइडेंटिफिकेशन। समझ में आ रहा है बेटा? आइडेंटिफिकेशन की। और दूसरा, दूसरा हमें किसकी जरूरत है? क्लासिफिकेशन की। किसकी जरूरत है? क्लासिफिकेशन। बेटा आप लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रही है ना? यस सर। यस सर।
और तीसरा नॉमेनक्लेचर। ये लिखना है ना? हाँ बेटा ये सब लिखना है, एक्चुअली आज मेरा फर्स्ट टाइम है ना, तो हमारी राइटिंग बेटर हो जाएगी एक दो दिन में क्लास से, ठीक है। तो बेटा हम इन तीनों की हम बात करेंगे, इसकी हम बात करेंगे पर्टिकुलर, हम इन तीनों की बात करेंगे कि आइडेंटिफिकेशन क्या है, ठीक है, क्लासिफिकेशन क्या है और नॉमेनक्लेचर क्या है। जब हमें इन तीनों की चीजों के बारे में पता लग जाएगा ना, तो हम बायोडायवर्सिटी की हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। सबको सुनाई दे रहा है अच्छे से, सबको विजिबल है? यस सर। देखो बेटा ये जो नीड फॉर क्लासिफिकेशन में लिखा है ना, आइडेंटिफिकेशन क्लासिफिकेशन नोमेनक्लेचर, तो आप सिंपल समझिए कि आइडेंटिफिकेशन क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है, कि नोमेनक्लेचर क्या है। अगर मैंने आपको कहा कि बेटा आप लोग कहाँ चले जाइए, किसी फॉरेस्ट में चले जाइए, कहाँ चले जाइए, किसी फॉरेस्ट में चले जाइए, तो बेटा आप फॉरेस्ट में चले गए, ठीक है, आपको कोई एक इस तरीके से चलता चलता इस तरीके से मूवमेंट करता हुआ एक ऑर्गेनिज्म आपको दिखा, ठीक है। जब आपको इस तरीके से एक ऑर्गेनिज्म मूवमेंट करता हुआ दिखा, तो आप आपकी आंखें इसको देखेंगी, ब्रेन के पास मैसेज जाएगा, तो हम पहले से इस चीज को जानते हैं कि भाई इस तरीके से जब भी कोई ऑर्गेनिज्म चलता है तो उसको हम क्या कहते हैं, रेप्टाइल कहते हैं, यानी कि कौन है, स्नेक है, ऐसा ही होगा, बोलो यस यस सर, यस सर, है ना। अगर एक सिचुएशन ऐसी है कि हमें नहीं पता है, एक सिचुएशन ऐसी है कि हमें नहीं पता है कि भाई इस तरीके से चलने वाला जो ऑर्गेनिज्म है वो कैसा है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसकी जो कैरेक्टर्स हैं कि वो किस तरीके से चल रहा है उसको नोट डाउन करेंगे, क्या भाई उसको हम देखेंगे, नोट करेंगे उसके कैरेक्टर को, और फिर आके हम उसको अपने बाकी के डेटा में डालेंगे, और फिर हम उसकी क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि हाँ भाई ये सारे कौन हो सकते हैं, रेप्टाइल हो सकते हैं, है कि नहीं। यस सर। और सुनो कि ये जो क्लासिफिकेशन हमने किया है, जब हमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म इस तरीके से मिल जाएंगे तो हम उसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं कि नहीं, कि भाई सारे रेप्टाइल्स को एक रेप्टाइल्स वाले ग्रुप में डाल सकते हैं, डाल सकते हैं कि नहीं, जो बर्ड्स वगैरह होते हैं उन सबको हम एप्स में डाल सकते हैं, जो हमारे मछलियां जो होती हैं फिशेज वगैरह जो होती हैं उन सबको हम पाइसिस में डाल सकते हैं, है कि नहीं, ह्यूमंस को हम लोग मैमल्स में रखते हैं, सुनाई दे रहा है बेटा? यस सर। सर हाँ, किसी को कोई दिक्कत है? नो सर। तो बेटा जब हमें पता लग जाएगा कि हाँ भाई ये सब क्लासिफिकेशन हमने कर लिया, तो हम उनका नॉमनक्लेचर यानी नामकरण कर सकते हैं कि नहीं, तो बेटा यस। और मैं आपको देखो एक सिंपल सा और मैं आपको एक लॉजिक बताता हूँ इसको समझने के लिए, देखो कि मैंने आपको एक लिस्ट दी, क्या दी, एक लिस्ट मैंने आपको दी, ठीक है, उस लिस्ट में क्या है, मैंने आपको 100 नेम्स दे दिए, क्या दे दिए, 100 नेम्स, ठीक है, 100 नेम्स मैंने उसमें आपको दिए, तो 100 नेम्स में आप ये समझिए कि उसमें हर तरीके के नेम है, मिक्स नेम है, कैसे हैं, मिक्स हैं। तो मैं आपसे कहता हूं कि सबसे पहले आइडेंटिफाई कीजिए, क्या कीजिए, आइडेंटिफाई, समझ में आ रहा है, आइडेंटिफाई करना है बॉय है या गर्ल है, समझ में आया, तो आप लोग कर सकते हैं कि नहीं उस लिस्ट से, क्योंकि जो लड़कियों के जो नाम है, गर्ल्स के जो नेम होते हैं वो रीता सीता गीता इस टाइप के होंगे, और जो बॉय हैं उनके नेम किस तरीके से होंगे,
राम मोहन किस तरीके से होंगे? रजत हो सकता है या कुछ और भी, आर्यन है, संकेत है, ओम है, ये सब किसके नाम है? बॉयज के नेम है कि नहीं बेटा, बोलो कुछ है? सर तो आप लोग ये तो पता कर सकते हैं कि मेल है या फीमेल है, बड़ी आसानी से पता कर लेंगे, है ना? अब मैं वहां पे आपको कहता हूं कि बेटा इन सबको क्या करो, क्लासिफाई कर दो। क्या कर दो? क्लासिफाई। क्लासिफाई कैसे करना है? बाई एज करना है। क्या करना है? बाई एज, कि भाई जो 1 से 5 साल के बच्चे हैं उनको एक तरफ रख दो, है ना, जो ओल्ड है उनको एक जगह रख दो, और जो कौन है, जो यंग है उनको एक जगह रख दो। क्या भाई कर सकते हैं कि नहीं? हेलो, यस सर तो बेटा ये जो है बॉय है गर्ल है, हमने नेम से आइडेंटिफाई कर लिया क्योंकि हमें पता है बॉय का नेम कैसा होता है और गर्ल का नेम कैसा होता है। अब मैंने आपको कहा कि चलो इनको क्लासिफाई कर दो। कैसे क्लासिफाई करेंगे एज वाइज? अगर मैंने वहां पे आपको एक नेम दे दिया है, कौन सा, सत्य सत्य नारायण प्रकाश, कैसा नाम दे दिया है, सत्य क्या, समझ में आ रहा है? यस सर अगर मैंने आपको वहां दे दिया है सत्य नारायण प्रकाश एक नेम दे दिया है, तो आप इस नाम से समझ जाएंगे ना कि ये तो कोई यंग होगा या कोई ओल्ड होगा, किसी बच्चे का नाम तो नहीं होगा। क्या भाई कोई छोटे बेबी को तो इस नाम से नहीं बुलाएगा? बुलाएगा क्या? नहीं सर नहीं बुलाएगा ना। छोटे बच्चों के क्या नाम होते हैं? चिंकू मिंकू मोनू, बहुत छोटे छोटे से ऐसे नाम होते हैं, टिंकी टिंकी होते हैं कि नहीं? क्या यस भाई, और जो नॉमन क्लेचर किया गया है उस नॉमन क्लेचर से हमें हेल्प मिल रही है ना क्लासिफिकेशन करने में, मिल रही है कि नहीं? सर आवाज ही नहीं आ रही आपकी। यस हेलो बेटा, आवाज आ रहा है? सर क्लियर आ रही है, क्लियर है सर। अगर बेटा आप में से किसी को आवाज नहीं आ रहा है ना, तो इनका अपना इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा चेक कीजिए, ठीक है, वो थोड़ा स्लो हो सकता है। तो बेटा ये जो हमने लिखा है ना, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमन क्लेचर, इससे हमें हेल्प होती है बायोडायवर्सिटी में कुछ भी पता करने की, कि भाई कितने सारे टाइप के प्लांट हैं, तो हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, फिर उनको क्लासिफाई कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं, है यस सर ना? तो ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है, एक बस एक नेम का लिस्ट का, कि भाई इस तरीके से हमारे पास 100 नेम की लिस्ट है और मैं चाहता हूं कि आप इसको पूरा आइडेंटिफाई क्लासिफिकेशन कर दीजिए ऑन द बेसिस ऑफ नॉमन क्लेचर, ठीक है? कि पहले तो आप ये बताइए कि बॉय है या गर्ल है, फिर आप एज बताइए कि कौन सी एज के कितने बच्चे हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि आप नीलम नाम के बच्चे को कहाँ रखेंगे, बताइए, अगर कोई नाम नीलम है तो आप उसको कहाँ रखेंगे, मुझे ये बताइए। बताओ बेटा, बेटा ओम आपकी आवाज नहीं आ रही है, आई कांट हियर यू। रखेंगे ना। गर्ल में रखेंगे। अब वही क्या है बेटा, अगर किसी ने इसका नाम बॉय में रख रखा है तो दिक्कत हो जाएगी ना, हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? क्योंकि हमें पता है ये जो नीलम नाम जो आ रहा है, इसका प्रोनाउंसिएशन से ही हमें पता लग रहा है, इसके साउंड से ही हमें पता लग रहा है कि ये किसका नाम होगा, किसी गर्ल का नाम होगा। का नाम होगा गर्ल का नाम होगा, ठीक है, क्लियर है? यस सर तो चलो अब हम लोग इसकी बात करेंगे कि भाई ये जो हमारा नॉमन क्लेचर है, आइडेंटिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन है, इन सब की हम बात करेंगे। तो बेटा आप ये बात समझ लीजिए कि भाई जब भी हम किसी भी पर्टिकुलर चीज को हेल्प करना चाहते हैं, चाहे वो बायोडायवर्सिटी हो या कुछ भी हो, तो हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करने की जरूरत है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप क्लास में बैठे हैं और अभी क्लास में लायन आ जाए, गेट में से लायन आ जाए, तो आप सब लोग मुझे छोड़ के भाग जाएंगे ना क्लास में से,
भाग जाएंगे कि नहीं, कि सर को खा जाओ हमें छोड़ दो। तो आपने सबसे पहले क्या किया, उस लायन को आपने आइडेंटिफाई किया कि भाई ये जो लायन है ये खतरनाक होता है, डेंजरस होता है, कुछ भी करने से पहले हमें खा जाएगा, हमें जान से मार देगा। हमें पता है कि नहीं पता है इसके बारे में? पता है सर। पता है ना, क्योंकि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि भाई जो लायन होता है वो तो बहुत ही ज्यादा कैसा होता है, डेंजरस होता है। ठीक है, वो बात है। तो हमें किसी भी पर्टिकुलर चीज की हेल्प करने के लिए हमें तीन चीजें चाहिए। सबसे पहले आइडेंटिफाई करना, कि अगर हम जब आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाएंगे तो हम करेंगे क्या, समझे कि नहीं समझे? यस सर। है ना, और नोमेनक्लेचर तो बाद में आएगा, भाई पहले आइडेंटिफाई तो करें कि बॉय है या गर्ल है। अगर गर्ल है तो उसका नाम हम लोग सत्यनारायण प्रकाश तो नहीं रख सकते, क्या रख सकते हैं क्या, नहीं बताइए, नहीं रख सकते ना। तो सबसे पहले हमें, अगर हम, मैं एज अ जेंडर वाइज ही अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा कि भाई ये बॉय है या गर्ल है। ठीक है, क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा, फिर हम उसका नोमेनक्लेचर करेंगे ना कि भाई हाँ ये जो लड़की है इस, ये गर्ल है, हमें इसका नाम कुछ गर्ल टाइप का रखना है कि नहीं। यस सर। यस सर। समझ में आया बेटा प्रतीक्षा, आनंद? यस सर। सर ओम बेटा, जो हमने अभी देखा ना, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, बेटा इन सब को हम लोग पढ़ते हैं कहाँ पे, टैक्सोनॉमी के अंदर। इसके अंदर टैक्सोनॉमी के अंदर, टैक्सोनॉमी। तो बेटा आप लोग समझिए कि टैक्सोनॉमी का मतलब क्या है। ये जो टैक्सोनॉमी है बेटा, दो वर्ड से मिलके बना है। एक होता है टैक्सेस, क्या होता है, टैक्सेस, TAXIS। इस टैक्सेस का मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट। क्या मतलब है इसका, अरेंजमेंट। ठीक है, और ये जो नोमो है ना, जो टैक्सोनॉमी, नोमी जो लिखा है, इसका है मतलब क्या, नोमोस। दो वर्ड मैंने बताए ना, टैक्सो मतलब टैक्सेस, यहाँ पे नोमो, नोमी का हमने क्या लिया है, नोमोस। तो नोमोस का मतलब क्या है, लॉ, क्या है, लॉ। आप लोग समझे होंगे कि मैंने ऐसा क्यों लिखा है, अरेंजमेंट और लॉ, यानी कि जो अभी हमने काम किया ना कि गर्ल है तो गर्ल का जो नेम है हमें गर्ल का ही रखना है। तो जो हम नोमेनक्लेचर कर रहे हैं, आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं या क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, वो हम बेटा अंडर लॉ करेंगे, क्या करेंगे, लॉ के अंदर करेंगे, समझे सर। ऐसा नहीं है, हाँ बेटा बोलो आनंद, बेटा आप कुछ कह रहे हैं आनंद, बस बीच में से लो हो रही है। अच्छा अच्छा आवाज लो हो रही है बीच में से, सर कभी करते तब तो आवाज ही नहीं आती। कब बेटा, जब हम माइक ऑन करते हैं ना तब। अच्छा, जब आप लोग माइक ऑन करते हैं तो आपको आवाज नहीं आती है। हाँ, मतलब सर। एक सेकंड के लिए ऐसा कट करते वक्त और ऑन करते वक्त। ओके, तो हम लोग यहाँ पर ट्राई करेंगे कि मैं अपनी बात खत्म करके आप लोग जब बोलिए तो मैं उस बीच में नहीं बोलूंगा, ठीक है, तो हमारी आवाज जो है वो ब्रेक नहीं होगी। ठीक है, यस सर। क्लियर है, ओके। तो बेटा देखो, टैक्सोनॉमी का इसका मतलब क्या निकलेगा, हम लोग इसका डेफिनेशन लिखते हैं। मैं बेटा आपको बोल भी रहा हूँ और लिख भी रहा हूँ, तो आपको मेरी आवाज अगर सुनाई दे रही है तो आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, टैक्सोनॉमी Taxonomy is the study Taxonomy is the study of principles
टैक्सोनॉमी इज द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स प्रोसीजर्स ऑफ क्लासिफिकेशन बेटा कि टैक्सोनॉमी क्या है बेटा टैक्सोनॉमी क्या है हम लोग इसमें स्टडी ऑफ प्रिंसिपल प्रिंसिपल पे बेस्ड है प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर्स पे ठीक है हम लोग ऐसे ही काम नहीं कर सकते हैं कुछ भी ठीक है यहाँ पे कुछ ना कुछ रूल्स सेट किए गए हैं जिसके अकॉर्डिंग ही हम लोग आइडेंटिफिकेशन नोमेनक्लेचर क्लासिफिकेशन कर सकते हैं ठीक है बेटा प्रतीक्षा ओम आनंद यस सर समझ में आया सर यस सर क्लियर है ओके ठीक है इसीलिए हमने यहाँ पे आपको बताया कि टैक्सेस का मतलब TAXIS है बेटा ये इस टैक्सेस का मतलब क्या है अरेंजमेंट और नोमोस का क्या मतलब है लॉ तो हम लोग जो भी स्टडी करेंगे उसकी हम पर्टिकुलर अरेंजमेंट करेंगे बाय लॉ जिसको हम क्या कहते हैं टैक्सोनॉमी आप सभी बच्चे भी और नाइन्थ क्लास के है ना तो आपका एक चैप्टर है डायवर्सिटी करके बायोलॉजी में एनसीईआरटी में जहां पे आपको ये टैक्सोनॉमी भी पढ़ने को मिलेगा ठीक है यस सर यस सर ठीक है तो बेटा टैक्सोनॉमी में हम पर्टिकुलर किस किस की बात करते हैं टैक्सोनॉमी में पर्टिकुलर किस किस की बात करते हैं टैक्सोनॉमी इंक्लूड इंक्लूड इसको इंक्लूड करता है बताओ अभी बताया था मैंने इसको करेगा बताओ आइडेंटिफिकेशन को किसको करेगा आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन ठीक है जो हमने तीनों पढ़े थे ना आइडेंटिफिकेशन दूसरा हमारा कौन सा था नोमेनक्लेचर सर हाँ बेटा सर आप बोर्ड पे क्यों नहीं ले रहे बेटा हम लोगों को जो क्लास है हमें इसी पे लेना है ना आपको बोर्ड पे अच्छा विजिबल था सर मतलब बोर्ड पे यस सर सर बोर्ड पे अच्छे से दिख रहा था बेटा इस पे भी देखेगा एक दो दिन में सेट हो जाएगा ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरा कैमरा भी मैंने स्टार्ट किया आपको क्या मैं देख पा आप मुझे देख पा रहे हैं क्या नो सर नहीं सर नहीं सर बेटा मैंने स्टार्ट तो किया है अपना कैमरा सर कैमरा में कुछ नहीं दिख रहा एक सेकंड में फिर से कोशिश करता हूँ विजिबल है नहीं सर वो क्रॉस आ रहा है उस पे आप क्रॉस ही आ रहा है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कैसा हो कमेंट के लिए सर एक सेकंड हाँ दिख रहे हैं सर अभी हाँ सर दिख रहा है अभी बेटा देखो नोमेनक्लेचर हो गया और कौन है क्लासिफिकेशन कौन है क्लासिफिकेशन
बेटा इन तीनों की हम लोग पर्टिकुलर अब बात करेंगे, इसकी डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे भाई, आइडेंटिफिकेशन क्या है, नोमेनक्लेचर क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है, हम पर्टिकुलर इन तीनों की बात करेंगे। और ये तीनों किसके इंक्लूड हैं, टैक्सोनॉमी के अंडर आते हैं, यानी जो भी हम आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं, नोमेनक्लेचर हम लोग कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं बेटा, वो हम लोग प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीजर जो लिखे गए हैं उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग करेंगे, ठीक है सर। प्यारे बच्चों, आप लोगों को क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। ओके, प्लीज नोट कर लीजिए इसको। हम लोग पर्टिकुलर अभी का डेफिनेशन लिखते हैं। तो बेटा मैं अभी जो आपके लिए डेफिनेशन जो लिख रहा हूँ, हम लोग आइडेंटिफिकेशन की बात करेंगे। किसकी? आइडेंटिफिकेशन। बेटा क्या होता है आइडेंटिफिकेशन? कि अ प्रोसेस बाय विच, अ प्रोसेस, बहुत ही गंदा दिख रहा है, तो अ प्रोसेस बाय विच, अ प्रोसेस बाय विच, अ प्रोसेस बाई विच एन ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म अ प्रोसेस बाई विच एन ऑर्गेनिज्म इज रिकॉग्नाइज्ड रिकॉग्नाइज्ड A process by which an organism is recognized from others. बेटा आ रहा है क्या विजिबल? सर सर यू आर नॉट ऑडिबल सर। क्या हुआ बेटा? सर आवाज नहीं आ रही। क्लियर बेटा आवाज तो आना चाहिए वैसे। सर, आ रही है, क्लियर है एकदम। आ रही है सर, क्लियर। तो हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि अ प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म इज रिकॉग्नाइज्ड फ्रॉम अदर्स, एंड इज असाइंड टू असाइन टू अ पर्टिकुलर असाइन टू अ पर्टिकुलर टैक्सोनॉमिक टैक्सोनॉमिक ग्रुप इज कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन। देखो बट आइडेंटिफिकेशन क्या है कि आप प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म इज रिकॉग्नाइज्ड फ्रॉम अदर्स इज असाइंड टू अ पर्टिकुलर टैक्सोनॉमिक ग्रुप इज कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन, यानी एक प्रोसेस है जिसमें हम एक ऑर्गेनिज्म को रिकॉग्नाइज करेंगे फ्रॉम अदर्स, किससे करेंगे फ्रॉम अदर, और इसको असाइंड करेंगे पर्टिकुलर टैक्सोनॉमिक ग्रुप में। यहाँ पे करेंगे पर्टिकुलर एक टैक्सोनॉमिक ग्रुप में हम उसको असाइन करेंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, आइडेंटिफिकेशन। क्या समझ में आया? यस सर। अब देखो हम लोग नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। कहाँ गया ये? अब
अब हम लोग लिखेंगे बेटा नोमेनक्लेचर, क्या लिखेंगे? नोमेनक्लेचर। तो बेटा नोमेनक्लेचर में क्या लिखेंगे बताओ? कि नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल इंटरनेशनल अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल साइंटिफिक साइंटिफिक इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर। बेटा नोमेनक्लेचर क्या है कि नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, हमें नामकरण करना है ऑर्गेनिज्म का अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल रूल्स। बेटा इंटरनेशनल साइंटिफिक रूल्स बनाए गए हैं जिसको हम लोग पढ़ेंगे आगे, जिसको हम बाइनोमियल सिस्टम वगैरह में पढ़ेंगे, कुछ रूल्स वगैरह दिए गए हैं उसी के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं? नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? नोमेनक्लेचर। ठीक है, इसमें बेटा किसी को कोई दिक्कत? के बाद क्या लिखा है? उसके बाद बेटा क्लियर है। नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल साइंटिफिक रूल्स इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर। ठीक है बेटा, राइटिंग मेरी एक दो दिन में इसका ठीक हो जाएगी, आज थर्सडे है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है सर, देखो बेटा अब हम लोगों को आखिरी क्या बचा है? क्लासिफिकेशन। आखिरी क्या है? क्लासिफिकेशन। तो बेटा क्लासिफिकेशन का देखो, क्लासिफिकेशन क्या है कि अ प्रोसेस बाय विच, बेटा मैं बोलूं तो आप लोग लिख सकते हैं क्या डेफिनेशन? यस सर, यस सर। हाँ लिखो, अ प्रोसेस बाय विच, अ प्रोसेस बाय विच अ प्रोसेस बाय विच The organism a process by which the organism are grouped into convenient 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 categories
convenient categories on the basis of same easily easily observable characters observable characters बेटा आया समझ में कि अ प्रोसेस बाय विच द ऑर्गेनिज्म आर ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ सेम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक। बेटा क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम ऑर्गेनिज्म का ग्रुप बनाएंगे, पर्टिकुलर कैटेगरी बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, सेम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक कि भाई हमने क्या कैरेक्टरिस्टिक उनकी ऑब्जर्व की है। अगर मैं आपसे कहूं केवल हमें दो ग्रुप बनाना है, किसका, एक तो है किसका हमारे पास बॉय का, एक किसका बनाना है गर्ल का बनाना है, तो हम पर्टिकुलर अगर हमारे पास मान लो 100 पर्सन है 100 पीपल है, तो हम पर्टिकुलर बॉय और गर्ल का कैटेगरी बना सकते हैं कि नहीं, क्लासिफिकेशन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? यस सर, कर सकते हैं सर, क्योंकि हमें पता है हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व करेंगे और उनको क्या करेंगे कैटेगराइज कर देंगे कि हाँ भाई ये बॉय में जाएगा और ये गर्ल में जाएगा, जाएगा कि नहीं। यस सर, एज इट इज बेटा प्लांट्स है या एनिमल्स है, मैं आपको मिक्स ग्रुप का एनिमल्स को दे दूं तो आप उसको क्या कर सकते हैं पर्टिकुलर कैटेगराइज कर सकते हैं कि नहीं कि भाई हाँ ये एलिफेंट है ये इसमें जाएगा, ये लायन है ये इसमें जाएगा, ये रेप्टाइल है ये रेप्टाइल में जाएगा, ऐसा होगा कि नहीं? यस सर, होगा ना। तो पर्टिकुलर हम जो कैरेक्टर्स हमने ऑब्जर्व किए हैं उनको देख के हम उसको क्या कर सकते हैं कैटेगरी में डाल सकते हैं, ठीक है, उनके ग्रुप्स बना सकते हैं, बना सकते हैं कि नहीं? यस सर, ठीक है। तो ये तीन चीजें आती हैं टैक्सोनॉमी में, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन। इसमें भी किसी बच्चा किसी को कोई दिक्कत? नो सर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो बेटा हाँ अब बेटा हम जो चीज पढ़ेंगे ना वो हम लोग क्या पढ़ेंगे कि हमने जो आइडेंटिफिकेशन किया है, आइडेंटिफिकेशन ठीक है, ये हमने जो आइडेंटिफिकेशन किया है ठीक है, और जो हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा है, क्लासिफिकेशन और जो नोमेनक्लेचर हमने पढ़ा है ठीक है, इनके पर्टिकुलर हम आपको ये सिखाएंगे कि भाई इनमें ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड कैसे हैं, समझे, कि कौन किसकी क्या हेल्प कर रहा है, आइडेंटिफिकेशन कैसे हेल्प कर रहा है क्लासिफिकेशन नोमेनक्लेचर की, क्लासिफिकेशन को किससे हेल्प मिल रही है, नोमेनक्लेचर को कैसे हेल्प मिल रही है। तो बेटा अब हम लोगों ने पढ़ा अभी कि भाई अगर जो नोमेनक्लेचर है अगर हमने आइडेंटिफाई कर लिया है कि ये बॉय है या गर्ल है तो हम आसानी से उसका नोमेनक्लेचर कर सकते हैं कि नहीं? यस सर, कर सकते हैं ना। चलो तो बेटा मैं आपको यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन में लिखने के लिए थ्योरी बोलूंगा तो आप लोग उसको लिख सकते हैं पर्टिकुलर। हाँ बोलिए, क्या लिख सकते हैं कि नहीं? हेलो बेटा आनंद, मेरी आवाज आ रही है बेटा आपको? यस सर, क्लियर है, क्लियर है। तो
तो चलिए बेटा, आइडेंटिफिकेशन में पहला पॉइंट लिखिए प्लीज। नैनो पहला पॉइंट लिखिए, हाँ पहला पॉइंट लिखिए यहाँ पे कि ऑर्गेनिज्म गिव्स पर्टिकुलर प्लेस। ऑर्गेनिज्म, मैं भी ट्राई करता हूँ लिखने का, ऑर्गेनिज्म गिव्स पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म गिव्स पर्टिकुलर प्लेस। ठीक है? यस सर। यस सर। और दूसरा पॉइंट लिखिए फिर आइडेंटिफिकेशन में कि फिजिकली आइडेंटिफिकेशन। फिजिकली आइडेंटिफिकेशन लिखा दूसरा पॉइंट। यस सर। फिजिकली आइडेंटिफिकेशन के बाद बेटा फिर से एक और पॉइंट लिखिए, पॉइंट नंबर थ्री के आइडेंटिफिकेशन हेल्पिंग फॉर क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। आइडेंटिफिकेशन हेल्पिंग फॉर क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर लिखा। यस सर। ओके बेटा, फिर यहाँ पे एक और पॉइंट लिखिए। अब हाँ, आइडेंटिफिकेशन हमारा कंप्लीट हो गया, अब हमारे क्लासिफिकेशन में आप लोग पॉइंट लिखिए। आइडेंटिफिकेशन कंप्लीट हो गया, तीन पॉइंट मैंने बोले कि ऑर्गेनिज्म गिव्स पर्टिकुलर प्लेस, फिजिकली आइडेंटिफिकेशन, और थर्ड मैंने बोला कि आइडेंटिफिकेशन हेल्प्स फॉर क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। लिख लिया? यस सर। ओके अब बेटा क्लासिफिकेशन में लिखिए पहला पॉइंट, ऑर्गेनिज्म डिवाइड, ऑर्गेनिजम्स डिवाइडेड अंडर कैटेगरीज, ऑर्गेनिजम्स डिवाइडेड अंडर कैटेगरीज और सब कैटेगरीज। लिख लिया? यस सर। सर कैटेगरी और सब कैटेगरीज। दूसरा पॉइंट क्या है? हाँ बेटा, दूसरा पॉइंट लिखिए कि क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन किस पे बेस्ड है? क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सिमिलर और डिससिमिलर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सिमिलर और डिससिमिलर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिज्म। हो गया? बेटा पॉइंट नंबर थ्री लिखिए क्लासिफिकेशन में। आइडेंटिफिकेशन का पॉइंट नंबर टू क्या है? पॉइंट नंबर टू बेटा, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सिमिलर और डिससिमिलर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिज्म। बेटा पॉइंट नंबर थ्री लिखिए, क्लासिफिकेशन जनरली रिसीविंग हेल्प, क्लासिफिकेशन जनरली रिसीविंग हेल्प थ्रू, रिसीविंग हेल्प थ्रू आइडेंटिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। बेटा आप सबको डीपीपी मिला था? यस सर। मिला था ना? यस सर। ओके हाँ बेटा, ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन। अब लिखिए नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर में क्या दिया जाता है? गिवन नेम। पहला पॉइंट लिखिए, नोमेनक्लेचर में क्या दिया जाएगा? नेम दिया जाएगा सबसे पहले।
गिवन नेम, और दूसरा पॉइंट लिखिए कि बेटा गिवन टू टाइप्स ऑफ नेम, टू टाइप्स, ऐसे लिखिए टू टाइप्स नेम। दो टाइप का है बेटा, इस तरीके से। चलो मैं इसको नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूँ, ठीक है, वहां में ज्यादा समझ में आएगा। बेटा दो टाइप का हम लोग यहाँ पे नेम नेम देते हैं, ठीक है। एक होता है कॉमन नेम, कॉमन नेम, दूसरा होता है क्या, साइंटिफिक नेम। साइंटिफिक नेम बेटा, जैसे कि मैंने कहा कि भाई दो टाइप का हम लोग नेम देते हैं। अगर मैंने पहला एग्जांपल ले लिया क्या, पोटैटो, क्या नाम ले लिया, पोटैटो बेटा, पोटैटो। और ऐसा क्यों दिया गया है दो टाइप का नेम, ये पर्टिकुलर मैं आपको समझाऊंगा, जो हमने तीनों का डिफरेंस लिखा है, ठीक है, पर्टिकुलर हम लोग बात करेंगे, समझेंगे उसको, ठीक है। बेटा तो पोटैटो का एक बात बताइए, साइंटिफिक नेम क्या होगा बेटा, सोलेनम फिब्रोसम, सोलेनम फिब्रोसम, टी यू बी ई आर ओ एस यू एम, समझे, सोलेनम फिब्रोसम। वहीं बेटा अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, ब्रिंजल, ऐसा हमने क्यों किया, कॉमन नेम है, साइंटिफिक नेम है, इनकी जरूरत क्यों है, मैं बेटा ये सब की बात करूंगा, पर्टिकुलर हम तीनों की जो हमने डिफरेंस लिखा है, ठीक है। ब्रिंजल बेटा, ब्रिंजल का क्या होगा, सोलेनम मेलोनजीना, लिखा क्या बच्चों, यस सर। देखो क्या है कि जो कॉमन नेम दिया गया है ना, साइंटिफिक नेम दिया गया है, इसके ऊपर एक कारण है बहुत बड़ा कि ऐसा क्यों किया गया है, ठीक है, हम लोग इसकी पर्टिकुलर बात करेंगे, ठीक है, अपने नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि हमारा ये लेक्चर बेटा खत्म हो रहा है जस्ट, ठीक है। यस सर, थैंक यू सर। यस सर, हम लोग कल इन तीनों डिफरेंसेस को समझेंगे।